हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर स्टडी पॉइंट में। आज का जो हम लोग का सेशन है वो किसी 10 क्वेश्चन को मैं लेके नहीं आया हूँ। आज मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। और आज का चैप्टर जो हम लोगों का है वो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, वो है एजेस। ठीक है, उम्र से रिलेटेड सवाल, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा सवाल होता है जिसका। और ये इसके बारे में एक खासियत सबसे बड़ी क्या देखी गई है अभी तक के एग्जाम में, कि इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में आया किसी एग्जाम, ये कंटिन्यूस आता चला जा रहा है। और इसके लेवल धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, और हम लोग इसको बनाने का जो है एकदम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के रेलेवेंट है और इतना सफिशियंट है क्वेश्चन आपको कोई भी एज से रिलेटेड सवाल को, कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, तो हम लोग जो सवाल को देखेंगे उसमें हम लोग वो ये नहीं देखेंगे कि आप कैसे बना सकते हो या क्या है, जो बेस्ट अप्रोच होगा उस बेस्ट अप्रोच को हम लोग देखेंगे और डायरेक्टली एक बार में सॉल्व कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का होगा और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा भी देना। ठीक है, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपना वैल्यूएबल कमेंट में बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा जो भी चीज है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन से देयर। उसके बाद आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे, मैं बोल के आप लोगों को बता चुका हूं कि वीडियो को आपको शेयर करना है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक हम लोगों के पास वो मोटिवेशन काइंड ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी कि हम लोग और वीडियो आप लोगों को लिए लेके आए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। क्वेश्चंस को बनाने का देखो, अगर आपने वीडियो को डायरेक्ट प्ले कर रखा है तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चंस को आप बना लो पहले। ठीक है, क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाना है, एक पेज में हाफ साइड में आप पहले अपना सॉल्यूशन बना लो। ठीक है, उसके बाद जो हाफ साइड बचा है उस हाफ साइड को आप प्लेन रहने दो, आप वीडियो चालू कर लो। वीडियो को जब तुम सॉल्यूशन सवाल का सॉल्यूशन डील होगा तो तुम देख लो कि क्या तुमने भी वही किया है जो मैंने किया है। अगर वही है तो सवाल को आगे बढ़ा लो, नहीं है तो उसको समझो और उसको समझने का कोशिश करो, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ शॉर्ट होगा। ठीक है, तो बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना यार और लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो देखो पहला सवाल क्या है हम लोगों का। पहला बोल रखा है द एज ऑफ मनी इज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 20% मोर देन निशांत एज 4 ईयर अगो। मनीष का 5 साल के बाद, निशांत का 4 साल के पहले। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 20% अधिक था निशांत से, तो मनीष और निशांत हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और इंक्रीज जब होगा तो 5 में 1 की इंक्रीज होगी, तो निशांत से 1 बढ़ जाएगा 6। ठीक है, एक्स लगा दो। ये क्या हो गया, मनीष का कब दिया है 5 साल के बाद और निशांत का 4 साल के पहले का एज का रेशियो निकल गया। प्रेजेंट में जब तुम आओगे तो प्रेजेंट के लिए तुम क्या करोगे, 6x है मनीष का 5 साल के बाद का तुम्हारा ये है, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करोगे, -5 कर दोगे। 4 ईयर अगो निशांत का है, प्रेजेंट में आने के लिए क्या कर दोगे, +4 कर दोगे। ये क्या निकल गया हमारा, प्रेजेंट निकल गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखो क्या बोल रहा है, इफ आफ्टर 21 ईयर 21 साल के बाद द रेशियो ऑफ द मनीष एंड निशांत बिकम्स 4:5। ठीक है, 21 साल के बाद, तो प्लस में 21 इसमें भी कर दो, प्लस में 21 इसमें भी कर दो, और ये जो रेशियो बन जाता है, ये रेशियो कितना बन जाता है, 4/5 बन जाता है। ठीक है, तुम्हें इसी को सॉल्व करना है यार। वो 6x है और 21 में ये 5 चला जाएगा तुम्हारा, तो ये क्या बचेगा तुम्हारा, 16 बचेगा। ठीक है, बटे में 5x है और नीचे में क्या बटेगा तुम्हारा, 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, 6 × 5 करोगे तो 30x हो जाएगा और 16 × 5 करोगे तो 80 हो जाएगा। 5×4 जा क्या हो जाएगा तुम्हारा, 20x हो जाएगा और 25×4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 30x में 20x चला जाएगा, कितना बच जाएगा तुम्हारा, 10x बच जाएगा, बराबर में 20, यानी 0 0 काट दो, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। तुमसे क्या पूछा है सवाल में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज का रेशियो मनीष का क्या है प्रेजेंटेज, 6x - 5 और निशांत का क्या है, 5x + 4, इसी का रेशियो निकालना है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 2 रखेंगे, 6×2 = 12, 12 में 5 चला जाएगा, तो 12 में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 7 बच जाएगा। ठीक है, रेशियो अब इसमें आ जाओ, 2 का वैल्यू रखो, 5×2 = 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 7:14 यानी कि 2 आ जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल एक वेरिएबल में सवाल सॉल्व हो गया आपके सामने सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों का, अगला देखो क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 30 एंड एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। ए का उम्र बड़ा है और इसके स्क्वायर का बी के स्क्वायर के साथ जो अंतर है वो दिया हुआ है 36। ठीक है,
द सम ऑफ द एज ऑफ ए देयर एज आफ्टर 5 ईयर इज 28। देखो अब इस लाइन को समझो, यहाँ पे 5 साल के बाद उन दोनों का उम्र का सम जो है वो 28 है, तो दोनों का उम्र में 5-5 साल घटा दोगे तो प्रेजेंट में सम निकल जाएगा, तुम्हारा प्रेजेंट में निकल गया। तो ये चीज को ना मुंह पे करना है तुम्हें, ठीक है। तो 28 में 5-5 साल घटाओगे यानी 10 साल घटाओगे, यानी a प्लस बी तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, 28 माइनस 10 यानी कि कितना, 18। अच्छा अब इसको देखो, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, जो कि तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 36। a प्लस बी 18 है, 18 से काट दोगे दो बार में तो a माइनस बी क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब कहीं पे भी तुम्हें एक चीज मैं यहां से एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, कहीं पे भी तुम्हें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, तो अगर a निकालना होता है तो a निकालने के लिए क्या करते हैं, 18 प्लस 2 बटे में 2। b निकालना होता है तो क्या करते हैं, 18 माइनस 2 बटे में 2, ठीक है। और एक चीज यहां से समझो, अगर हमको बोले a रेशियो b निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, 18 प्लस 2 रेशियो में 18 माइनस 2। ये सब कॉन्सेप्ट जो है याद रखो, बोटनी स्ट्रीम में ये सब तो बहुत ही इसेंशियल है और यहां पे भी काम करेगा। अब यहां देखो 18 2 20 हो जाएगा, तो a का कितना हो जाएगा 10, 18 में 2 चला जाएगा 16, b का कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रखा है सवाल में, तो कितने वर्षों के बाद उनकी आयु 15:14 हो जाएगी, कितने वर्षों के बाद, तो यहां से हम बोल देते हैं x वर्षों के बाद, ठीक है। 8 में x जोड़ दोगे तो ये जो तुम्हारी रेशियो हो जानी है वो रेशियो कितनी हो जानी है, 15:14 कितनी हो जानी है, 14 हो जानी है, ठीक है। अब 15:14 भी देखो, यहां से हम लोग दो चार रास्ते जा सकते हैं, एक तो इसी को सॉल्व कर लो, यहां से सॉल्व करोगे तो 140x हो जाएगा प्लस में 14x, और 15 × 8 करोगे तो 120 हो जाएगा और प्लस में 15x, घटा दोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 20 ईयर निकल के आ जाएगी, यानी कि 20 साल के बाद उनके रेशियो का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15:14 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को लिटरली हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या, अगला देखो क्या बोला, देयर आर 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एमंग विच पर्सन ए इज 3 ईयर यंगर टू पर्सन बी। ए जो है बी से 3 साल छोटा है, तो बी से 3 साल छोटा कर दिए। बी इज डबल द एज ऑफ पर्सन सी, बी जो है सी के एज का डबल है, ठीक है। फिर बोल रहा है सी हु इज यंग 10 ईयर यंगर टू पर्सन डी, सी जो है वो डी से 10 साल छोटा है, तो 10 साल छोटा कर दिए। इफ पर्सन डी इज 5 ईयर एल्डर टू पर्सन ए, अगर पर्सन डी जो है ए से 5 साल का बड़ा है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ऑल द 4, सभी के प्रेजेंट एज का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब यहां से तुम देखो कि यहां एक डी मालूम है तुम्हें, और यहां से डी और ए का एक रिलेशन है, ए यहां पे है तुम्हारा, मतलब क्या है, ऊपर से या तो तुम नीचे आ जाओ या नीचे से तुम क्या करो ऊपर चले जाओ, कहीं पे भी पुट करते चले जाओ, कहां लिखो सॉल्व। अब देखो यहां से हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, d का वैल्यू a प्लस 5 है, यहां रखेंगे जब a प्लस 5 और माइनस 10 रखेंगे तो ये क्या दे देगा हमको, a माइनस 5, c निकल गया a माइनस 5, c जब यहां रखेंगे तो b क्या निकल जाएगा, 2a माइनस में कितना निकल जाएगा, 10। b जब यहां रखे तो b की वैल्यू यहां पर रख दो, b की वैल्यू कितनी निकली है, 2a प्लस में 10, यानी कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 2a माइनस 10 एंड माइनस 3, यानी a कितना निकल के आ जाएगा सर, 13 निकल के आ जाएगा। जैसे ही a 13 आ गया, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 5 18, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू a माइनस 5 है, यानी c की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 13 में 5 चला जाएगा यानी कि 8। b की वैल्यू देखो 13 2 26 में 10 घटा दोगे तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 16 हो गया, कहानी खत्म। अब a b c d का सम निकाल दो, 13 प्लस में 16 प्लस में 8 प्लस में 18, ठीक है। अब यहां से जब ऐड करोगे तो 13 16 10 10 20 और 10 30 ऐसे ही हो गया हमारा, 39 यहां से हो गया, और यहां से 49 और 16 49 और 55 हो जाएगा, ठीक है। 55 जब हो गया तो हमसे क्या निकालने के लिए बोला था, एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 55/4, तो ये हमें देगा 13.75, और यही हमारा आंसर है 13.75, ठीक है। इस सवाल को हम लोग लिटरली इस तरीके से देखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या, अगला क्या बोला, चौथा नंबर सवाल,
द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज ए एंड बी 3 ईयर अगो वॉज 5:7 तीन साल पहले उनका रेशियो 5:7 में था ठीक है। तो यहां से देखो तुम्हारा क्या है ना कि तुम इसका प्रेजेंट डायरेक्ट निकाल लो ठीक है। 3 साल पहले 5:7 था तो प्रेजेंट में क्या होगा 5x+3 7x+3 ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ सी एंड डी 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 साल के बाद 11:15 है तो सी और डी का निकाल लो यहां से 11y-3 कर दो 5y-3 करो 3 साल बाद दिए हुआ है 3 साल पहले आ गए हम लोग ठीक है। अब यहां से क्या दे रखा है हम लोगों का सवाल में इसके बाद बोल रखा है एट प्रेजेंट सी इज 6 ईयर ओल्डर देन बी। सी जो है सी कितना है हमारा 11y-3 बी से 6 साल बड़ा है 6 से 7x+3 में 6 जोड़ दो 11y और यहां से तुम माइनस कर दो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 उधर चला जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा। एक इक्वेशन xy का निकल गया। फिर क्या बोल रहा है आपसे सवाल में आगे क्या दे रखा है फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड। नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से क्या क्या हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। मैंने शायद एक लाइन कहीं पे छोड़ दिया है और भी कुछ होना चाहिए यहाँ पे। हाँ एक लाइन और दिया हुआ है द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड डी इज 30 ईयर। ए और डी का प्रेजेंट एज क्या है 30 ईयर है तो ए और डी का 30 ईयर क्या है एवरेज दिए हुए ठीक है। एवरेज जब निकालेंगे 15 निकालेंगे तो सम क्या हो जाएगा हमारा ए और डी का 15 × 2 यानी कि 30। अब यहां से ऐड कर दो 5x+3 5y+3 ये 3 और 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा यानी क्या बचेगा हमारा 5 कॉमन ले लोगे x+y जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 30। 5 से काट दो इसे 6 बार में। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो चलो y को ही पुट करते हैं। y को हम लोग पुट कर सकते हैं 6 − x − 7x कर देते हैं हम लोग यहाँ पे बराबर में 12 कर देते हैं 11 6 = 66 होगा 12 इधर ले जाके घटा दो 11 × 7 क्या होगा 7x होगा और यहां से हमारा 11x होगा और 7 यानी कि 18x हो जाएगा ठीक है। ये जब करोगे सॉल्व तुम ये 54 देगा और 18 से ये जो कट जाएगा तुम्हारा 3 बार में कट जाएगा यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। एक्स जब तुम्हारा 3 निकल के आ गया तो वाई भी यहाँ एक्स वाई 6 है यानी ये पता चल गया वाई भी जो निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। देखो एक्स और वाई निकल गया तो प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी चारों हम लोग फाइंड कर सकते हैं और अगला ऑप्शन भी हमारा है प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑल ए बी सी डी हम लोग चारों का चारों फाइंड कर सकते हैं ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन ठीक है। फादर का प्रेजेंट एज जो है वो सन का ट्वाइस है तो ट्वाइस लिख दिया हम लोगों ने। फिर क्या बोल रहा है 10 ईयर अगो हिज एज वॉज थ्राइस एज दैट ऑफ हिज सन 10 साल पहले उनका एज जो है थ्राइस था। वट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन 5 ईयर आफ्टर। देखो इसको ऐसा नहीं बनाते ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहां से डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं फादर और सन का ठीक है। फादर और सन का जो रेशियो है दिए हुए वो ट्वाइस बोल रहा है। अगर सन 1 होगा तो फादर कितना होगा 2 होगा। 10 साल 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले जो है उनका एज जो था थ्राइस था तो 10 ईयर अगो फादर का जो एज था वो थ्राइस था अपने सन से ठीक है। ये कर देते हैं हम लोग यहां से। अब इसके बाद क्या बोला है व्हाट विल बी देयर एज एज ऑफ फादर एंड सन 5 ईयर फ्रॉम नाउ। रेशियो बताना है फादर और सन का 5 साल के बाद का। अब यहां से तुम देखो एक चीज समझो कि जो फादर और सन का जो एज का गैप होगा वो आज मेंशन करो या 5 साल के बाद मेंशन करो या 10 साल के बाद या 7 साल के बाद कभी भी मेंशन करो वो गैप जो होगी उन दोनों के बीच की वो क्या होगी इक्वल होगी। तो गैप जब इक्वल होगा हम लोगों का तो यहाँ पे देख रहे हो गैप हमारा 3 और 1 यानी कि 2 का गैप है और यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे जो गैप है वो गैप तुम्हारा दिख रहा है 1 का। तो ये तो संभव है नहीं कि फादर और सन का एज जो है कभी 2 हो कभी 1 हो ये गैप कभी पॉसिबल नहीं। हमेशा उनकी गैप जो होती है वो इक्वल होती है। तो इस गैप को हम लोग कैसे बराबर करेंगे हम लोग इस गैप को बराबर करने के लिए क्या करेंगे इस ऊपर वाले 2 को नीचे से गुना इस नीचे वाले 1 को ऊपर से गुना। तो ऊपर जब गुना करेंगे तो ये 3 × 1 ही रहेगा हमारा नीचे जब गुना करेंगे तो ये 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो गया। अब देखो गैप इक्वल हो गया 4 से 2 का यानी 2 का गैप है 3 से 2 का यानी 2 का गैप है। और एक चीज इस तरीके से तुम्हारा एक चीज और क्या हो जाता है कि यहां से यहां का जो इंक्रीज होता है दोनों साइड वो क्या होता है इक्वल होता है ठीक है। ये जो बैलेंसिंग अभी हम बताए हैं इस बैलेंसिंग से खासियत क्या है इस बैलेंसिंग की कि तुम्हारा ऊपर से नीचे का इंक्रीज जो है वो दोनों तरफ जो है इक्वल अमाउंट में हो जाता है।
तो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज को बता रहा है। अब दोनों ही जब 10-10 साल बढ़े हैं तो एक का मान कितना हो जाएगा हमारा, 10 साल हो जाएगा, और ये 4 है और ये 2 है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां से नहीं होने वाली है। आगे देखो अगला लाइन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कितने सालों के बाद, सॉरी उनका एज का रेशियो बताना है 5 सालों के बाद। तो 5 सालों के बाद जैसे एक का मान हमारा 10 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 40, 2 का मान कितना हो जाएगा 20, 5 साल हमें आगे जाना है तो 5 साल आगे चले जाते हैं, यहां से 45 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, यानी रेशियो जो निकल के आया वो कौन सा रेशियो निकल के आया, नॉन रेशियो 5 निकल के आ गया, और यही हमारा आंसर। देखो इस सवाल में ध्यान क्या देना है, इसी टेक्निक को हम लोग आगे बहुत सारे सवालों में यूज करेंगे, कि अगर ऊपर से नीचे दोनों साइड एक सेम ऑर्डर में हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, नीचे वाले का डिफरेंस को ऊपर वाले के डिफरेंस के, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के डिफरेंस को नीचे वाले के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और रेशियो इसी तरीके से बैलेंस हो जाती है। सामने आपको दिख रहा होगा 3 से 4 एक का इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 एक का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या, अगला देखो क्या बोल रहा है, मदर इज एज्ड 3 times मोर देन दैट ऑफ सन रोहित। मदर का जो एज है वो रोहित का 3 times है, मेरे को लग रहा है ये वैसा ही सवाल है, देखते हैं क्या है। After 8 years mother would be 2.5 times। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, mother age is 3 times more बोला है, अगर 3 times होता तो direct 3 times होता, 3 times more बोला है मतलब क्या, पहले से 1 है 3 और अधिक, यानी क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा हमारा। फिर क्या बोल रहा है, mother would be 2.5 times, 2.5 times का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/2 of son, कितने सालों के बाद, 8 सालों के बाद, यहाँ पे 5 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। अब यहां से देखो तुम्हारा क्या है इस सवाल में, कि यहां से 4 से 5 एक का इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 तुम्हारा जो है वो एक का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये तय है कि यहाँ पे बैलेंसिंग ये पहले से होया हुआ है, तो यहां से तुम देख लो प्लस में 1, 1 से 2 तुम्हारा प्लस में 1, और इसी 1 की वैल्यू जो वो दे रखा है, वो दे रखा है 8 साल, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है तुमसे सवाल में, आफ्टर फर्दर 8 years 8 साल के बाद हाउ मेनी टाइम्स मदर वुड बी ऑफ रोहित एज, अब कितने साल हो 8 साल के बाद, तो यहाँ पे देखो 8 + 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 40, और 8 × 2 कितना होगा 16, ये 8 साल के बाद का तो निकल गया, अभी इसके और 8 साल के बाद, तो इसके और 8 साल में जब तुम बढ़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 48, और इसमें 8 साल बढ़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24। माता जी जो है बेटे का कितना गुना है, साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा कितना गुना है, 2 times है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 times। अगर ये ना दिखे तुम्हें तो क्या करना है, 48/24 निकाल लेना है, जो भी फ्रैक्शन आएगा वही उतना ही टाइम्स हमारा जो होगा वो क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये सब सवाल लिटरली हम लोग को देखो रेशियो बैलेंसिंग करके कितना आसानी से निकल जा रहा है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या, चलो अगला देखो क्या है, अगला देखो क्या बोल रहा है हम लोग का सवाल में, देर आर 4 friends पी क्यू आर एस, ठीक है 4 दोस्त है पी क्यू आर एस, पी इज 4 years यंगर टू पर्सन क्यू, पी जो है क्यू से 4 साल का छोटा है, तो 4 साल छोटा लिख दिए। द रेशियो ऑफ क्यू टू एस, क्यू से एस का जो रेशियो है वो है 8 ratio कितना 9, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट से हमको मिला। सेकेंड स्टेटमेंट से हम लोग को क्या मिल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ आर इज 24 years, एवरेज ऑफ पी प्लस आर इज 26 years, यानी 26 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 52, 52 में तो तुम 24 घटाओगे तो ये पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी तुम्हारी कितनी 28 निकल के आ जाएगी, ठीक है 28 हो गया हमारा। अब आगे देखो आगे क्या बोल रहा है तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट में क्या दे रखा है हम लोगों को, तीसरा में बोल रहा है पर्सन एस इज 8 years elder to person P, 8 साल बड़ा है person P से, ये 3 statement है। अब इसी पे बेस्ड जो है हमारा दो सवाल है, ठीक है। पहला सवाल क्या बोल रहा है, What will be the percentage of S, S का percentage क्या होगा ये हमें बताना है। तो S देखो अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमको P मालूम है, देखो इस सवाल में ना हमको सिर्फ जजमेंट करना है कि हम लोग सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमको P मालूम है, R मालूम है, इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम P यहां पे बैठा देंगे तो Q निकल जाएगा, Q निकल जाएगा तो S निकल जाएगा, यानी हमारा किससे किससे आंसर आ गया, 1 + 2 से हमारा ये आंसर आ सकता है, ठीक है। अब 2, 3 में आते हैं,
पी की वैल्यू अगर जहां बैठाते हैं तो एस वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जा रहा है, 2+3 से भी आंसर आ जा रहा है, ठीक है। और 3 से 1 में आते हैं, यहां देखो एस बराबर में पी प्लस 8 है, P बराबर में Q माइनस 4 है। अगर हम P P को एलिमिनेट करेंगे तो Q S का एक सम निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको यहाँ पे ऐसा लिख के देख लो, S बराबर में P प्लस 8 है तो P बराबर में क्या लिख सकते हो, S माइनस 8 लिख सकते हो। और यहाँ पे तुम जब बैठा दोगे तो S माइनस 8 इज इक्वल टू Q माइनस क्या हो जाएगा, 4। S माइनस Q इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 8 है प्लस 8 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। क्यू एस का रेशियो दिए हुआ है, एस क्यू का डिफरेंस दिए हुआ है, यहां से तुम्हारा एस निकल जाएगा आसानी से। मतलब क्या हो गया, 1+3 से भी आ रहा है। मतलब कोई भी दो स्टेटमेंट को हम लोग ले ले रहे हैं तो हमारा सवाल सॉल्व हो जा रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा इस सवाल का वो हो जाएगा एनी टू ऑफ देम आर टूगेदर सफिशियंट टू आंसर, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला सवाल क्या है इसी में, ये वाला स्टेटमेंट जो है हम लोगों का एस इज इक्वल टू पी प्लस 8, इसको रहने दो अभी, ठीक है। इतना तो हम लोग का स्टेटमेंट था। अब यहां से देखो अगला सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, सेकंड में क्या है बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पर्सन पी एंड आर, पी और आर के एज का डिफरेंस क्या होगा, हमको निकालना क्या है, पी माइनस आर का डिफरेंस निकालना है। हो सकता है आर माइनस पी भी हो, अगर पॉजिटिव में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आर माइनस पी निकाल लेंगे। इफ क्यू इज 8 ईयर एल्डर टू आर, क्यू जो है 8 साल बड़ा है आर से, ठीक है। R प्लस में क्या एक एडिशनल डेटा हमको यहाँ पे सवाल में बता दिया, ठीक है। अब इसमें से क्या हम लोगों का ऑप्शन जब तुम देखोगे तो ऑप्शन में बोल रहा है रिडंडेंट का ऑप्शन है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, मोर देन एक्सेस, ठीक है, कि जिसका हमें जरूरत नहीं है हमारा, जिससे आंसर आ जाए, जैसे मान लो 1, 2, 3 स्टेटमेंट है, 1 से आंसर आ रहा है तो 2, 3 क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, सबसे पहला हमारा हमको किसका निकालना है, पी और आर में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पी और आर में डिफरेंस है वो तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे Q का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो Q का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो R प्लस 8 हो जाएगा, R को इधर ले जाएंगे तो P माइनस R 4 निकल के आ जाएगा, यानी हमारा सिर्फ केवल स्टेटमेंट 1 से आ रहा है तो 2, 3 क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। तो 2, 3 रिडंडेंट हो गया, ऑप्शन नंबर 1। आगे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ई नंबर ऑप्शन जो है बोथ ए एंड सी का आ रहा है, हम जस्ट सिर्फ सी वाला चेक करेंगे और कहानी खत्म। सी में बोला है 1 और 3 आर रिडंडेंट, 1 और 3 रिडंडेंट का मतलब क्या है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है उससे हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो 2 से देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, हमको पी आर का डिफरेंस जाना है, तो पी तो ऑलरेडी मालूम है हमको, आर ऑलरेडी मालूम है, सेकेंड से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी सी नंबर भी सही हो जाता, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ई जो कि ए एंड सी है हमारा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या, देखो अगला सवाल में क्या है हम लोगों का, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से 5 साल के बाद ब्रदर और सिस्टर का कितना दे रखा है, 5:4, 5 साल के बाद का है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 10 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से 10 साल के बाद, और 5 साल से कितने साल के बाद, 5 साल के बाद, ठीक है। उनका रेशियो जो है, ब्रदर का एज जो है 20% अधिक है सिस्टर से, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और 5 में 1 अधिक है, यानी क्या है, 6 है। अब तुम यहां से यहां देखो, यहां से यहां भी 1 का इंक्रीमेंट है, यहां से यहां भी 1 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। ये था प्रेजेंट से 5 साल बाद, ये था प्रेजेंट से 10 साल बाद, तो ये 5 साल के बाद यहां जब आएंगे तो ये 5 साल का डिफरेंस है हम लोग का, यानी 1 की वैल्यू हमारी मालूम हो गई 5, तो 5 × 5 करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 25 और 4 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 20। ये जो रेशियो था ये था 5 साल के बाद का, तो प्रेजेंट पे आएंगे तो ब्रदर का प्रेजेंट क्या हो जाएगा, 25 − 5 जो कि क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। सिस्टर का प्रेजेंट पे आएंगे 20 − 5 जो कि क्या हो जाएगा हमारा, 15, ठीक है। अब यहां से देखो यहाँ के बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद 2 क्वांटिटी दी हुई है और उनमें हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। पहली क्वांटिटी क्या बोल रही है, एज ऑफ ब्रदर 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 साल के बाद, तो 20 + 4 क्या हो जाएगा, 24। एज ऑफ सिस्टर 9 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 15 + 9 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 24 हो जाएगा, यानी कि 24 जो है 24 के बराबर है, यानी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो पीडीएफ आपको पहले मिल चुका है उसके बाद आप देख रहे हैं तो इसका आंसर उस पीडीएफ में मिसप्रिंट हो गया था, जो कि क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 आ गया था, जबकि ये क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। जिस चीज को आप लोग ज्यादा पैनिक नहीं होना, ये आंसर यही सही है, उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, और बाद में अगर देख रहे हो तो आप इग्नोर कर सकते हो, वो पीडीएफ मैंने सुधार के अपलोड कर रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखो,
अगला हम लोग का बोल रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ इज 3:2। मैन का उसकी वाइफ के साथ प्रेजेंट में जो रेशियो है वो है 3:2। After 10 year the ratio will become 4:3। 10 साल के बाद वो रेशियो 4:3 हो जाएगा। देखो यहां से भी प्लस वन, यहां से भी प्लस वन, यानी एक का वैल्यू कितना है 10 साल है। ठीक है, एक का वैल्यू जब निकल गया तुम्हारा तो क्या बोल रहा है सवाल में, एट द टाइम ऑफ मैरिज देयर एज वॉज 5:3। एज मैरिज के टाइम में उनका एज जो था वो 5:3 था, मतलब थोड़ा पहले जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, मैरिज के टाइम में 5:3 था और कुछ साल के बाद उनका प्रेजेंट आया होगा और प्रेजेंट का एज जो है 3:2 है। ठीक है, अब यहां से देखो हम लोग एज एक का मान 10 के बराबर तो ये क्या हो जाएगा 30 साल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे भी बैलेंस करना है। यहाँ पे जब तुम देखोगे तो गैप एक का है और यहाँ पे जब तुम देखोगे तो गैप दो का है, तो हमको क्या करना है बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे, इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5:3 ही रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखो बराबर मात्रा में ये जो है तुम्हारा निकल रहा है प्लस वन और प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करेंगे या यहाँ पे रिलेट कैसे करेंगे, ये 3 और 2 की वैल्यू तुम्हें मालूम है, 3 की वैल्यू 30 है और 2 की वैल्यू 20 है, जो 3 अब कन्वर्ट हो गया है किसमें 6 में कन्वर्ट हो गया, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 30 साल है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 साल हो जाएगी। हमसे पूछा कितने साल के बाद, जो कि 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 साल है, यानी 5 साल के बाद मतलब शादी के 5 साल के बाद उसकी रेशियो 3:2 थी और यही हमारा सवाल का आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या हम लोगों का, अगला क्या बोल रहा है हम लोगों को, द सम ऑफ द एज ऑफ राम राज एंड रॉय इज 63। राम प्लस राज और प्लस में रॉय का जो एज है वो कितना है 63 है। ठीक है, 5 years ago द सम ऑफ एज ऑफ राम एंड रॉय, राम और रॉय का 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट पे आने के लिए 5-5 साल दोनों को बढ़ाना होगा, 10 साल बढ़ा देंगे 32 था, तो 32 प्लस में 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। राम है, रॉय है, राज का एज निकल जाएगा, राज का एज कितना निकल जाएगा 3 में 2 गया 1 और 2, यानी राज का एक निकल गया 21। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है तुम्हारा सवाल में, दे रखा है 5 years फ्रॉम नाउ सम ऑफ राज एंड रॉय, राज का रॉय के साथ 5 साल के बाद का जो एज सम दिए हुए है वो है 55। तो हमें प्रेजेंट पे आने के लिए दोनों का 5-5 साल घटाना होगा जो कि 10 है, यानी कि कितना घट जाएगा 45। राज का अगर 21 रख देते हैं तो रॉय कितना निकल जाएगा, 5 में 1 गया 4, 4 में 2 गया 24। ठीक है, रॉय निकल गया 24, रॉय जब 24 निकल गया तो हमको क्या निकालने के लिए पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है राम का, तो राम कैसे निकाल लेंगे हम लोग, 20 20 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, यानी राम के लिए हम लोग क्या करेंगे 63 में जो है 45 घटा देंगे जो कि कितना देगा हमारा 18 दे देगा और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 18 years। ठीक है, अगले सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला क्या बोल रखा है, अगला बोल रखा है देयर आर 3 पर्सन ए बी सी, पर्सन ए इज डबल द एज ऑफ पर्सन बी, पर्सन ए का जो एज है वो बी का डबल है, तो यहां से बी लिख दिया, व्हाइल पर्सन बी इज 6 years younger to C, सी से 6 साल छोटा है, एवरेज ऑफ ऑल थ्री पर्सन का एवरेज जो है वो क्या है 2 years मोर देन द एज ऑफ सी, सी के एज से 2 साल क्या है हमारा अधिक है। ठीक है, यही हमारा सवाल में दिया, यहां से देखो हम लोग पहले सी को एलिमिनेट कर लेते हैं, एवरेज जो होगा हमारा 3 हो जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर में हम लोग यहाँ पे c ही रहने देते हैं, बराबर में क्या लिख सकते हैं 3c + 6, ये c को जब घटा देंगे तो a प्लस बी बराबर में क्या मिल जाएगा 2c + 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा चेंज कर लो सबको जो है, तुम्हें निकालने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है c का, तो सबको जो है c में चेंज करने का कोशिश करो, a बराबर में 2b लिख सकते हो, लिख दिया यहाँ पे 2b, 2b प्लस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा 3b हो जाएगा जो कि 2c + 6 के बराबर है, बी की वैल्यू c + 6 है तो 3 × c - 6 करेंगे तो 2c + 6 देगा, 3c में 2c चला जाएगा, c 6 × 18 उधर जाके जुटेगा, 18 में 6 जब जोड़ोगे तो वो तुम्हें दे देगा कितना 24। ठीक है, यही हमारा आंसर है, सी का एज जो है वो कितना है हमारा 24 साल है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखो, 14 नंबर सवाल क्या बोल रखा है 14 नंबर सवाल में,
14 नंबर सवाल देखो क्या है, 14 में बोल रखा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 3:5 व्हेन ए वाज बॉर्न बी वाज 12 ईयर ओल्ड। देखो अब ये बॉर्न का कहानी क्या है, ठीक है, बॉर्न का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे तुमको एक सीधा सीधी एग्जांपल देते हैं, मान लो फादर का एज 35 ईयर है, ठीक है, सन का एज 15 ईयर है, अगर मैं तुमसे पूछ दूं टेल मी द एज ऑफ फादर व्हेन सन वाज बॉर्न, सन कब बॉर्न, कितना साल का हो गया 15, सन का जन्म कब हुआ होगा 15 साल पहले, मतलब फादर का 15 साल पहले का उम्र बताना है, तो 15 साल उसमें क्या करेंगे घटाएंगे, मतलब बॉर्न का कहानी आता है तो उसका मतलब क्या होता है लिटरली दोनों के बीच का अंतर, और दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, जो भी अंतर आएगा वो बॉर्न स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। तो इस बॉर्न स्टेटमेंट से ना घबराना नहीं है, ये सिंपली एक लाइन में यही बताता है कि भैया दोनों का अंतर जो है हम दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है। अब देखो दोनों का अंतर क्या है, हमारा क्या बोल रखा है सवाल में हमारा कि ए और बी का जो प्रेजेंट का एज का रेशियो है वो दे रखा है 3:5 When A was born, B was 12 year old. जब A जन्म लिया था तो B क्या था 12 साल का था, तो B माइनस A कितना हो जाएगा 12, 5 और 3 दोनों का अंतर कितने 2 का, तो 2 का वैल्यू 12 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 6, 6 तिया क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 और 6 पचे कितना हो जाएगा 30, A और B का एज निकल गया। क्या बोल रहा है 12 year hence what would be the respective ratio of A and B, A और B का respective ratio 12 साल के बाद, तो इसमें जब 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और इसमें जब 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42, 3 से काट दो 10 बार में, 3 से काट दो 1 और 14 बार में, 2 से काट दो 5, 2 से काट दो 7, यानी जो रेशियो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा 5:7 और यही हमारा आंसर है। 5:7 में कितना हो जाएगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीस, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है 15 नंबर सवाल, क्या बोल रखा है हमारा, बोल रहा है After one year, the product of Rajat and Sandeep is 120 year. एक साल के बाद रजत और संदीप के उम्र का प्रोडक्ट जो है वो 120 है. The ratio of the ages of Rajat and Sandeep 7 after 7 year will be 3:2. 7 साल के बाद 3:2 होगा, तो present क्या होगा 3x-7, 2x-7. और क्या बोला था आफ्टर वन ईयर, एक साल के बाद, तो एक साल के बाद और इसका भी एक साल के बाद का प्रोडक्ट कितना है 120 है, तो 3x-6 और 2x-6 की वैल्यू कितनी है 120 है, 3 दुना कितना हो जाएगा 6x² और 6 तिया कितना हो जाएगा तुम्हारा 18x माइनस में, और माइनस में ही तुम्हारा 12x और फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस में 36 बराबर में 120, ठीक है। थोड़ा ना काट लेते हैं इसको, 6 से 3 बार में, 2 बार में, 6 बार में, 20 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x² 3 2 5x और 20 में 6 चला जाएगा, यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहां से तुम अगर तोड़ोगे तो -7 + 2 में क्लियर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में 7 माइनस वाला हमें नहीं लेना है। हमसे निकालने के लिए क्या बोला है, व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ संदीप, संदीप का प्रेजेंटेज क्या है, तो संदीप का प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा 2x-7, 7 × 2 = 14 में जब 7 घटा दोगे तो ये तुम्हें क्या देगा 7 ईयर देगा, और यही हमारा आंसर है 7 ईयर संदीप का प्रेजेंटेज है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला क्या, अगला क्या बोल रहा है हम लोगों को, द एवरेज एज ऑफ बार्ट, लिसा एंड मैगी, बार्ट, लिसा और मैगी का एवरेज एज जो है वो 7 साल का है, ठीक है। मतलब क्या है कि बार्ट प्लस लिसा प्लस मैगी, ठीक है, जो है वो 7 साल एवरेज है, तो यानी कि सम कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21 वाइल द एवरेज ऑफ दीज थ्री अलॉन्ग होमर एंड मर्ज, ठीक है, बार्ट लिसा मैगी, ठीक है, और प्लस में होमर है और कौन सा है मर्ज है, ठीक है, इन सब का एवरेज जो है वो 18 है, जब गुना करोगे तो 18 × 5 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 18 × 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 हो जाएगा, ठीक है। ये तीन को जब तुम घटा दोगे तो 21 घटा दोगे तो होमर और मर्ज का जो निकल के आएगा 10 में 1 गया 9 बचेगा तुम्हारा और 9 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा 69 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे क्या बोला, इफ होमर इज 3 ईयर ओल्डर देन मर्ज, होमर जो है मर्ज से 3 साल बड़ा है, यानी ये निकल गया।
हमको क्या निकालने बोला है, मर्ज का प्रेजेंट रेशियो। अभी मैंने बताया था ए प्लस बी ए माइनस बी, और अगर b निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को घटा के दो से भाग, 69 माइनस 3 बाई में 2 66 हो जाएगा, बाई में 2 करेंगे 33 हो जाएगा, और ये हमारा मर्ज का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला देखो क्या है लोगों का, अगला क्या बोल रहा है, 5 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर एंड सन वाज 30 ईयर। 5 साल पहले उनका एवरेज 30 साल था, तो 5 साल पहले ही चलो सम निकाल लेते हैं, फादर मदर और सन का जो सम होगा 30 × 3 90 होगा। ये 5 साल पहले था, 5-5 साल सबका आगे बढ़ेंगे तो 15 साल ऐड कर देंगे तो ये प्रेजेंट हो जाएगा 105। ठीक है, अगला देखो आगे क्या बोल रखा है, 2 ईयर अगो द एवरेज ऑफ सन एंड मदर इज 28। ठीक है, सन और मदर का 28, 28 गुने 2 करेंगे जब हम लोग तो ये हमें देगा 56। 2 साल पहले प्रेजेंट में आएंगे, दोनों का 2-2 साल बढ़ा देंगे, यानी 2-2 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा प्रेजेंट में। सन और मदर घटा देंगे तो फादर निकल जाएगा, फादर कितना निकल जाएगा 45 निकल जाएगा, यही पूछ रखा है। फादर का प्रेजेंट एज कितना है 45 है, और इसी के साथ हमारा ये सवाल भी जो होता है वो खत्म होता है। ठीक है, तो एवरेज देखो अभी तक में तुमने लगभग में 17 सवाल देख लिया। ठीक है, एवरेज में लिटरली कोई जान नहीं होता है, बस नॉमिनल सा सवाल होता है, कुछ और 1-2-4 सवाल हैं आगे जो मैं दिखाऊंगा उसमें भी क्या मास्टर टेक्निक यूज कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, हर एक सवाल कुछ ना कुछ टेक्निक तुम्हें जरूर बताएगा। ठीक है, चल अब देखो अगला क्या है हम लोगों का, अगला बोल रहा है एज ऑफ 3 एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी पी क्यू आर। पी है, क्यू है और आर है, इन तीनों का एज जो है वो कहां से कहां लाई करता है 24 से 30, मतलब क्या क्या हो सकता है 25, 26, 27, 28 और 29। 25, 24 से 30 के बीच में ये सारे हो सकते हैं, मतलब इन्हीं के बीच में उनका होना है। 4 times द एज ऑफ पी, पी का एज का 4 times इज 13 मोर देन 3 times द एज ऑफ क्यू, 3 times द एज ऑफ क्यू से 13 अधिक है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, 2 times द एज ऑफ क्यू, 2 times द एज ऑफ क्यू इज 6 more than 2 times द एज ऑफ आर, 2 times द एज ऑफ आर से 6 अधिक है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है सवाल में एक चीज और दिए हुए यहाँ पे कि क्यू जो है ओल्डेस्ट है, मतलब क्यू जो है सबसे बड़ा है, इससे छोटा ही है पी और आर, और हमसे क्या निकालने के लिए बोला है सवाल में, क्यू जब सबसे बड़ा है हमारा तो आर का प्रेजेंट एज बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे बड़ा वाले को ही पकड़ते हैं, सबसे बड़ा वाला देखो क्या है हमारा। सबसे पहले इसमें ध्यान दो कि अगर तुम यहां पे 29 लेते हो तो क्यू का जब तुम 29 लोगे तो क्या क्या निकलता है ये देख लो, 29। ठीक है, 29 × 3 करोगे तो 90, यानी कि तुम्हारा 87 हो जाएगा, 87 में 13 जोड़ोगे तो वो 100 हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 25 हो जाएगी, अभी तक हम लोग रेंज में है। ठीक है, क्यू का वैल्यू फिर 89 करो, यहाँ पे जब तुम 89 करोगे तो 2 से ही सारा कहानी खत्म कर दो, इसको 3 कर दो, 89 में जब तुम 3 घटा दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 29 में जब तुम 3 घटा दोगे तो 29 में 3 चला जाएगा तो तुम्हारा 26 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 26। ठीक है, हमारा ये वाला जो है मेरे दिए हुए क्राइटेरिया के अंदर ही है, हम लोग इसको अभी तक ध्यान में रखेंगे। अब आ जाओ 28 में, अब देखो 8 × 3 करोगे तो वो एक इवन नंबर को जब तुम एक इवन नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हें क्या देगा, इवन नंबर देगा। ठीक है, इवन नंबर जब दिया, इवन को जब तुम ऑड के साथ ऐड करोगे तो वो क्या देगा, ऑड देगा, जो कि कभी भी इवन नंबर से नहीं कटेगा, यानी कि ये तय है कि इवन नंबर हमारा कहीं से भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 27 लेके देखते हैं, 27 × 3 करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 में 13 ऐड कर देंगे, 314 और 819 तो यानी कि 94 हो जाएगा, जो कि 4 से जब हम लोग काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, Q का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे 27। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 × 2 = 8 और यहाँ पे तुम्हारा 14 आ जाएगा, 14 भी चलो हम लोग आगे लेके चलते हैं, हम लोग यहाँ पे तो 14 जब लेंगे तो 23 पॉइंट में समथिंग आएगा, हमारा रेंज से बाहर चला गया, 27 होगा नहीं। 25 भी लेके देख लो, 25 × 3 = 75 और 13 ऐड करोगे तो 88, 4 से काटोगे 22, ये भी नहीं हो सकता है, मतलब सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बैठ रहा है और इसी के अकॉर्डिंग आर का जो एज निकल के आया वो क्या निकल के आया, 26 निकल के आया, आंसर हमारा क्या निकल हो जाएगा इस सवाल का, 26 हो जाएगा। ठीक है, चल अगला देखो, अगला क्या, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो,
बोल रहा है सम ऑफ द एज ऑफ 11 इज 20 159, पूरे 11 बच्चों का जो सम है वो कितना दिए हुआ है 159 दिए हुआ है, ठीक है। एज ऑफ टू गर्ल्स आर सेम, दो लड़कियों का एज जो है सेम है, एंड इज 2 ईयर लेस देन द एज ऑफ द स्टूडेंट हु इज ओल्डेस्ट, ठीक है। तो जो ओल्डेस्ट है हम उसी को मान लेते हैं एक्स, तो दो लड़की थी हमारे पास, उन दोनों लड़कियों का एज क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है सवाल में, द डिफरेंस ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट इज 7 ईयर, ओल्डेस्ट माइनस यंगेस्ट, ठीक है, माइनस यंगेस्ट कर देते हैं हम लोग, तो ये दिए हुआ है 7, तो यंगेस्ट क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहां से लिख लेते हैं यंगेस्ट कितना है x माइनस में 7 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ 7 बॉयज, 7 बॉयज का एज का सम बताना है हमको, हुज एजेस आर इक्वल, उनका एज क्या है इक्वल है, एंड देयर इंडिविजुअल एज इज 2 ईयर लेस देन द इंडिविजुअल एज ऑफ 2 गर्ल्स हैविंग इक्वल एज, जो दो लड़कियों हैं उसमें से 7 लड़का का जो है, 7 लड़का में से ईच बॉय का जो एज है वो क्या है, दो लड़कियां जिनका एज एक जैसा था उससे 2 साल कम, यानी क्या है x माइनस 4 है। अब यहां से देखो 7 लोग का एज x माइनस 4 है, ये 2 लोग का एज जो है x माइनस 2 है, तो 7 2 कितना हो गया 9, एक ओल्डेस्ट जो कि x है, एक यंगेस्ट यानी कि कितना हो जाएगा 7 2 9, एक 10 और एक 11, ठीक है x माइनस 7। इस 11 लोगों का सम जो दिए हुए है स्टार्टिंग में ही वो दिए हुए है 159, ठीक है। यहां से देखो 7x 2 9x 1 10 और एक 11x लिख दो, माइनस में 7 4 28 2 2 4, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, माइनस में 39 इज इक्वल टू 115, ठीक है। 11x इज इक्वल टू 18 5 3 8 और एक 9 और एक 11, से जब इसे काटोगे तुम 11 से ये 18 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई 18 निकल के आ गई। 18 जब निकल के आ गई तो हमसे क्या पूछ रखा था, फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ 7 बॉयज, 7 बॉयज का सम, तो 7 बॉयज का सम, एक बॉयज का कितना था हमारा x माइनस में 4, और 7 के लिए क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, x 18 है, 18 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 गुने 7 कर दो, सॉरी 18 में 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 गुने 7 कर दोगे तो ये तुम्हें दे देगा 98, ठीक है, और यही तुम्हारा आंसर है 98 इस सवाल के लिए और आंसर, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या, नेक्स्ट देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ धनुष एंड गणेश इज 4:5, प्रेजेंट में 4:5 है, ठीक है, प्रेजेंट में लिख दिया 4:5 धनुष और गणेश का। फिर क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ 4 साल के बाद जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 9:11 कितना में 11, व्हाट इज द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का एवरेज यानी 5 4 9 का एवरेज हमें बताना। अब यहां से तुम देखो क्या है कि तुम्हारा ये जो कहानी दिया 4 साल के बाद का दिया, 4 से 9 जो है ये 5 हो रहा है, 5 से 11 जो है वो 6 हो रहा है, इसको हम लोग को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट गैप दिख रहा है, यहाँ पे 1 का गैप दिख रहा है, तो ऊपर वाले गैप को भर देते हैं, 2 से जब गुना करेंगे तो 8 और इधर गुना करेंगे 10, यहाँ देखो 1 का हो गया, यहाँ भी देखो कितना हो गया 1 का हो गया, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4 साल दिया हुआ है। हमको निकालना है इस 10 और 8 का एवरेज, 10 8 कितना हो जाएगा 18, और एवरेज निकालने के लिए 9, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुने में 4 यानी कि कितना हो जाएगा 36 ईयर, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है 36 ईयर। देखो कुछ चीजों को तुम्हें ना जो है ना थोड़ी सी अपने दिमाग में महसूस करनी होगी और वहां पे सोचना होगा, तुम्हें इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो यूनिटरी ये सारा क्या हमारा यूनिट में माना हुआ रेशियो के टर्म में, जब इसका हम लोग सोचेंगे तो 10 8 8 कितना हो जाएगा 18, 18 बटे 2 कितना हो जाएगा 9, एवरेज यूनिट में भी निकल गया 9, 9 1 की वैल्यू 4 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 और आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला क्या, अगला बोल रखा है हम लोगों को, सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी डी इज 10 ईयर मोर देन द सम ऑफ एजेस ऑफ बी डी ई, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज समझो, ए बी डी दिया 10 साल अधिक बी डी ई से, तो बी डी बी डी तो कट गया ना, तो यहां से क्या हो गया, इस स्टेटमेंट से क्या निकल गया, ये बोल दो तुम ए बराबर में ई प्लस 10, या ये बोल दो ए माइनस ई बराबर में 10, हो गया खत्म। फिर क्या दिया हुआ इसके बाद सवाल में, बोल रहा है सी इज 6 ईयर ओल्डर देन बी, सी जो है बी से 6 साल बड़ा है, एंड 2 ईयर यंगर देन डी, डी से 2 साल छोटा है, ठीक है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी, ए और सी का हमें रेशियो बताना है। अब यहां से हमको क्या बोला है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉलोइंग ऑप्शन जो है सफिशियंट है। पहला में देखो क्या, देखो हमको ए और सी जानने के लिए मेन मसला क्या है, सी ए जानने के लिए हमको ए जानना हो, ई जानना होगा, सी जानने के लिए हमको बी या डी में से कोई एक जानना होगा। ठीक है, पहला बोल रहा है ई इज 10 ईयर यंगर देन ए, तो हमें मालूम ही है। ठीक है, इसका तो कोई यूज नहीं है। द एज ऑफ सी आफ्टर 10 ईयर विल बी 35, चलो सी का एज यहां से निकल जाएगा, ई का कैसे निकालेंगे, ई जब तक नहीं निकलेगा ए कैसे निकलेगा, खत्म हो गया। बीच में दे रखा है सम ऑफ बी सी डी इज इतना, इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा, ए सी से भी कुछ हासिल नहीं होगा। डी नंबर देखो क्या है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड डी इज 24 ईयर, बी और डी का प्रेजेंट एज का सम जो है वो कितना है तुम्हारा, 24 साल है। ठीक है, तो बी और डी देखो तो कहां पे हमारा, बी और डी का प्रेजेंट एज जो है वो दे रखा है 24 साल। ठीक है, अब यहां से देखो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें ये एक मालूम हो गया बी माइनस डी यहां से 8 निकल जाना है हमारा। ठीक है, क्योंकि b माइनस डी जब करेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, 8 दे देगा, यानी निगेटिव में ही देगा, और b प्लस डी है तो b और d दोनों निकल जाएगा हमारा, तो यहां से c निकल गया हमारा, चलो c निकल गया। बोल रहा है a और c 30 साल का है, जब c निकल जाएगा हमारा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, a निकालेंगे, a जब निकल गया तो a और c का रेशियो पुट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से हमारा काम हो जाएगा। हमें इस सवाल में कहीं पे भी आंसर निकालने के लिए नहीं बोला, हमें क्या बोला है कि किससे आ सकता है, तो आ रहा है हमारा किससे है, डी से है, तो हमारा आंसर हो गया डी, ज्यादा मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है, अगला हम लोग का बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज 3:2, ए और सी का प्रेजेंट एज जो है वो 3:2 में है, ए बी डी ई का जो सम है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई का जो सम है वो कुछ ब्लैंक है, हम लोग मान लेते हैं एक्स, फर्स्ट ब्लैंक एक्स। ठीक है, सेकेंड में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ डी एंड ई, डी और ई का 2 साल के बाद 5x और 6x है, तो 5x माइनस 2 प्रेजेंट, 6x माइनस 2 प्रेजेंट। ठीक है, सी इज 12 ईयर ओल्डर देन बी, सी जो है बी से 12 साल क्या है, बड़ा है, और इज 12 ईयर और इज डैश ईयर ओल्ड, मतलब सेकेंड डैश जो है वो सी का एज को बता रहा है। ठीक है, यही दो डैश को हम लोग को क्या करना है, फिल करना है। अब यहां से देखो एक लाइन और दिए हुए है, प्रेजेंट एज ऑफ डी लाइज बिटवीन 70 to 20 ईयर्स, 17 से 20 साल के बीच में प्रेजेंट एज लाई करता है, तो प्रेजेंट एज देखो तो 17 से 20 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहां से एक ही पॉसिबल वैल्यू है हमारा, x का मान 4 ले लेते हैं, 4 लेंगे 5 चौक 20 में चला जाएगा, यानी कि 18 निकल जाएगा, 4 लेंगे यहां पे भी 6 चौक 24 में 2 चला जाएगा, 22 ले लेंगे, और d और e का सम कितना हो जाएगा, 18 और 22 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, यानी कि ये दो चीजें जो दे है मिलके हमें क्या दे देंगे, 40 दे देंगे, और ए प्लस बी में अब आना है। ठीक है, ए प्लस बी देखो क्या है, ए हमारा 3x है, सी हमारा 2x है। ठीक है, तो जैसे ही 2x रखोगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x प्लस में कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ए बी में आना है, ए 3x है, 2x है, यानी कि हम ए बी के लिए क्या लिख सकते हैं, ए बी के लिए लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5x प्लस में 12, और ये सब जोड़ के हमें क्या देगा, x की वैल्यू देगी। अब ऑप्शन में आ जाओ, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है तुम्हें, पहला ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा 108 और 32, 108 और 32 दे रखा है। सी कितना है तुम्हारा, 2x है, सी का मान 2x का मान 32 के बराबर, तो x का या a ले लो, इसको x छोड़ दो यहां पे, इसको a ले लेते हैं। ठीक है, a, और यहां से ले लेते हैं इसको भी a। ठीक है, a ले लिए 5a, हाँ ठीक है, ये सारा a के रिस्पेक्ट में, 2 है, 2 से कट गया 16 बार में, a की वैल्यू 16 निकल गई, a जब 16 निकल गया हमारा तो 32 लिए हम लोग, a 16 निकल गया, 16 × 5 कितना होगा, 80, 80 में यहां 40 जोड़ देंगे तो 120, सॉरी ये 18 हो गया, 18 × 12 = 40। ठीक है, 108 में 40 कटा दो, 68 हो जाएगा। अब यहां से तुम देखो यहां पे क्या है, 5a है और प्लस में कितना है तुम्हारा, 12 है यहां पे, c इज 12 ओल्डर देन b। ठीक है, c का जो है 2 का मान 36 के बराबर, 2a प्लस में क्या हो गया ये, सॉरी b का एज जो होगा ये 2a है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2a माइनस में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा सुधार लो इसको, 3a यहां से 2a माइनस 12 यहां से, यानी ये क्या हो जाएगा 5a माइनस में 12। a का वैल्यू क्या निकल के आया था इस स्टेटमेंट के लिए, a का वैल्यू 16 निकल के आया था, 16 × 5 जा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 × 5 जा 80, 80 और 40 कितना हो जाएगा 120, 120 में 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 108, यानी 32 लिए तो 108 सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे जब तुम बढ़ोगे, आगे किसी भी वैल्यू में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा,
चेक चाहो तो चेक कर सकते हो तुम लोग, और चेक करने के बाद तुम्हारा जो है किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ए के साथ तुम्हारा बी अगर मान लो सेटिस्फाई नहीं करता है तो ए के साथ तुम देख रहे हो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है ओनली ए का, ए सेटिस्फाई कर रहा है, आगे चेक करने का भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधे ऑप्शन के बेसिस पे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो कि क्या हो जाएगा ओनली ए हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है आफ्टर थ्री ईयर द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी विल बी 2:3, 3 साल के बाद। ठीक है, तो प्रेजेंट अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो प्रेजेंट से 3 साल के बाद जो है वो क्या हो रहा है 2:3 हो जा रहा है। फिर ऊपर में दिए हुए और उसके बाद क्या दिए हुए, 3 ईयर अगो 3 साल पहले जो है वो रेशियो था 3:5। ठीक है, बोल रहा है हाउ मेनी ईयर अगो द एजेस वाज इन द रेशियो 5:9, कितना साल पहले उनका एज जो है वो 5:9 में था। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 साल ऊपर 3 साल नीचे यानी 6 साल आना चाहिए, दोनों 6-6 साल का इंक्रीमेंट हमको कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ 5 से 2 हो रहा है 3 से, तो बैलेंस करेंगे इधर 1 है इधर 2 है। ठीक है, इसको जब 2 से गुना करेंगे तो ये हमें दे देगा 4 और 6, 3 से 4 में 1 का इंक्रीमेंट, 5 से 6 में 1 का इंक्रीमेंट, और यही 1 जो है कितना साल के बराबर है 6 साल, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 18, 5 का मान कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहां देखो ऊपर में 4 का अंतर है नीचे में 2 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे, और इसको जब चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 से जब गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 6 और 5 गुना कितना हो जाएगा 10। 5 से 6 में 1 का इंक्रीज हो रहा है, 9 से 10 में कितने का इंक्रीज हो रहा है 1 का। अब यहां देखो ये 6 की वैल्यू 18 के बराबर है, 6 की वैल्यू 18 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ईयर हो जाएगी। हमसे पूछा कि कितने साल के बाद, तो कितना साल कहां से आएगा प्रेजेंट से आएगा, अब यहां से लेके यहां तक का सफर 3 साल का है और यहां से प्रेजेंट का सफर और 3 साल का, यानी 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 साल, और यही 6 साल हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो सवाल में कुछ नहीं था, थोड़ा सा रेशियो को बैलेंस करो, सवाल को इजिली तुम बना सकते हो। ठीक है, और ज्यादा इसमें दिमाग लगाओ तो थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा लेकिन बनेगा वैसे भी। ठीक है, तो चॉइस तुम्हारी है, शॉर्ट में बनाना है या लंबा लेके बनाना है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है अल्फा एज 10 ईयर हेंस। देखो ये कितना ही बेहतरीन सवाल है, अगर इसकी बात करें मैं तो देखो इसमें 4 इक्वेशन बन के आएगा, वो कौन कौन सी इक्वेशन है वो देख लो। अल्फा एज 10 ईयर हेंस विल बी 90% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बीटा, मतलब अल्फा का एज 10 साल के बाद बीटा का एज का 90% के बराबर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बीटाज एज, बीटा का एज जो है गामा के एज के 35 ईयर के बाद का 1/3 है, और एक साल के बाद अल्फा का एज जो है डेल्टा के 1 साल के बाद के एज का कितना है 1/4 है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन निकाल के आए हैं और एक लास्ट इक्वेशन बोला है कि 3 साल के बाद चारों का जो सम है वो 100 है, तो 3-3 साल चारों बढ़ेगा यानी 12 साल बढ़ा होगा, प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे 100 में घटा देंगे, यानी चारों जोड़ के जो होगा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा वो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब अगर तुम इसको इस वेरिएबल फॉर्मेट में तोड़ोगे, हमें निकालना है गामा का एज, ठीक है, इस वेरिएबल फॉर्मेट में तोड़ोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाला है। ठीक है, इस सवाल का मेन मास्टर स्ट्रोक जो है वो ये है। ठीक है, अब इसी को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, मान लो कि अल्फा का एज क्या मानने मैं बोल रहा हूं, अल्फा का एज मान लो 10 साल के बाद जो था वो था ए। ठीक है, तो ये बाकी सारा वो बी जी जैसे मानना वो मान लो, बीटा का क्या प्रेजेंट एज का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि अल्फा बटे में बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9/10। यहां पे हम प्रेजेंट एज का सबका रेशियो लिख देंगे। ठीक है, अल्फा का, बीटा का, गामा का और डेल्टा का। ठीक है, एक्स लगा दोगे तो बीटा का तो ये प्रेजेंट था हमारा, तो बीटा 10x हो जाएगा, ये 9x था उसका 10 साल के बाद का, तो प्रेजेंट में आओगे तो क्या हो जाएगा 9x - 10। गामा के लिए आ जाओ, जब ये 10x लिखोगे यहाँ पे तो 3 × 10 करोगे 30x 35 चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 30x- में कितना 35। डेल्टा का कहानी देखो यहाँ पे, डेल्टा का क्या है a+1 है, यहां जब करोगे 9x - 10 और प्लस में 1 करोगे तो ये क्या कर देगा 9x - 9 कर देगा, 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कर देगा 36x - 36, +1 है -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 36x - 37, और यही हमारा डेल्टा का वैल्यू है 36x - 37। ठीक है, ऐड कर दो,
36, 10, 66 और 10 यहाँ पे तुम ऐड करोगे तो 76 और 9 यानी कि कितना हो जाएगा 85x, ठीक है, माइनस में 35 गुना 70 और 2 72 और 2 82 और इन चारों का सम जो है हमारा कितना है 88 है, तो यहाँ कर दो 88, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तुम्हें 170 देगा, 85x इज इक्वल टू 170 जब हो गया तो 85 से दो बार में x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो हमसे गामा पूछा था तो 30 गुना 60 में 35 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 25 ईयर, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो कितना है 25 ईयर आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा इस सवाल के लिए, 25 ईयर हमारे किसी भी ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं इंडिकेट कर रहा है, तो ये तब लिटरली तुम डिसाइड करो कि इसको इस डायरेक्शन में जा सकते हो या इसका थोड़ा सा भाषा बदल के इसका, ये मैंने पहले ही बताया सवाल का मास्टर स्ट्रोक ये है, ठीक है, अब इसको तुम इसके अकॉर्डिंग करो, देखो सवाल कितना इजिली बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्या, अगला है, देयर वॉज वन गर्ल नेम टीना एंड वन बॉय नेम्ड अनिल, ठीक है, एक लड़की टीना है एक लड़का अनिल है, द रेशियो ऑफ द टीना एंड अनिल 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 5x एंड 6x, अनिल टीना का दिए हुआ है अनिल का दिए हुआ है, ठीक है, टीना का क्या दिए हुआ है 5 साल के बाद का है 5x, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 और इसका हो जाएगा 6x माइनस 5, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एज ऑफ टीना अनिल 2 ईयर बिफोर टीना वॉज बॉर्न वॉज 3 ईयर, एज ऑफ अनिल 2 साल पहले जब टीना का जन्म हुआ था, जन्म का कहानी अभी मैंने बताया दोनों के एज में अंतर, तो अनिल का एज 2 साल पहले, तो अनिल का एज 2 साल पहले करो तो अनिल का एज 2 साल पहले का टीना के एज के साथ अंतर, तो माइनस 5x और प्लस में क्या हो जाएगा 5 और यही कितना दिए हुए 3 दिए हुए, 5 खत्म हो गया, 6x में 5x चला जाएगा, x बराबर में कितना निकल गया 5, तो प्रेजेंट एज निकल गया 5 गुने 5 25 में 5 चला जाएगा 20, 6 × 5 = 30 यानी कि 25, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे सवाल में, आगे देखो, द एज ऑफ टीना एज मेनी ईयर एज अनिल वाज ओल्ड व्हेन टीना वाज 2 ईयर ओल्ड, टीना का उम्र बताना है उस समय जिस समय टीना 2 साल की थी तो जितने साल का अनिल होगा उतना अधिक हमें अभी टीना का एज बताना, मतलब टीना जब 2 साल की थी तो अनिल का उम्र कुछ होगा उस टाइम में, उतना साल अभी से अधिक बताना है टीना का उम्र में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो कि टीना को 2 साल करना है, 2 साल करने के लिए तुम क्या करोगे 18 से माइनस करोगे तभी ये 2 होगा, तो इसको भी जब तुम 18 से माइनस कर दोगे तो अनिल कितने साल का था 7 साल का था, तो टीना का एज बताना है अभी से 7 साल के बाद, तो टीना का एज 20 है, 7 साल के बाद कितना हो जाएगा 27 साल और यही हमारा आंसर है 27 ईयर, टीना का एज यही हमारा आंसर है, सी का मान निकालने बोला था, सी 27 ईयर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रखा है अगला सवाल में, रेशियो ऑफ द एज ऑफ दिनेश 4 इयर्स बिफोर 4 इयर्स टू द एज ऑफ रितेश आफ्टर 6 ईयर इज 7:8, ठीक है। तो हम लोग इसको ना एक लाइन में यहां से लिखेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, दिनेश और रितेश लिख दे रहे हैं, पार्टीशन का जरूरत पड़ेगा तो ठीक, नहीं तो ठीक है। दिनेश का बिफोर 4 ईयर बोला है 7x, तो प्रेजेंट में आएंगे तो क्या होगा 7x प्लस 4, 6 साल के बाद बोला है 8x, तो प्रेजेंट में आएंगे क्या होगा 8x माइनस 6, while the average of their present age is 29, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 15x और माइनस में 2 और इनका एवरेज दिया हुआ है 29, 29 into 2 करेंगे तो 58 हो जाएगा, 58 into 2 60 हो जाएगा, 15 से कट जाएगा 4 बार में, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 4, x की वैल्यू जब 4 निकल के आ गई तो हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज, इन दोनों का अंतर, तो अंतर जब करोगे तो 8x में 7x घटा दोगे, ठीक है, तो 8x में 7x जब तुम घटाओगे तो ये तुम्हें देगा x, माइनस 6 और माइनस 4 जब करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। अब यहां से 4 में जब तुम 10 घटाओगे तो माइनस 6 हो जाएगा, तो तुम क्या करो इसे मॉड लगा के कर दो, यानी कि डिफरेंस जो निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी 6 ईयर आएगी, क्योंकि एज कभी भी माइनस नहीं होगा, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा दिनेश माइनस रितेश करना होगा हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सवाल को इजिली कर सकते हैं। चलो अगला देखो, अगला क्या है, अगला बोल रहा है, इन अ फैमिली देर आर 3 मेल 2 फीमेल, एक फैमिली में 3 मेल है 2 फीमेल है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ 3 मेल, तीनों मेल का जो सम है और प्रेजेंट एज का और दोनों फीमेल का जो सम है वो 5x है और कितना है हमारा 3x, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ आफ्टर 4 ईयर दिस रेशियो बिकम, 4 साल के बाद, तो अब यहां से ध्यान दो मेल 3 है तो 4 4 साल जब बढ़ेगा तो वो कितना होगा 4 × 3 = 12,
फीमेल दो है तो ये सिर्फ 8 बढ़ेगा और इस तरीके से रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18 बटे में कितना 11। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है तुम्हें, क्या बोल रखा है सवाल में, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फैमिली, फैमिली का परसेंटेज यानी 5 × 8x का मान निकालना। जहां से तुम देखो क्या 11 × 55 करोगे तो ये क्या 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 55x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 12 × 11 करोगे तो 12 × 11 हम लोग यहाँ 11 लिख देते हैं, बराबर में 18 × 3 करोगे तो ये हो जाएगा 54x, और प्लस में हम इसको 18 × 8 में क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं। ठीक है, 55 में 54 चला जाएगा, x बचेगा 18 × 8 माइनस में 12 × 11। देखो जिसको ये टेबल आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं आता है वो क्या करो, यहाँ पे इस कंडीशन में 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 8 किया कितना हो जाएगा 24, यहाँ 2 बचेगा 11 × 2 कितना हो जाएगा 22, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 6 × 2 यानी कि एक्स की वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी। परसेंटेज का सम पूछा था, 5 × 3 कितना है हमारा 8x है, 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 8, 12 × 8 कितना होता है हमारा 96, और ये हमारा आंसर है परसेंटेज का सम 96 ईयर। इस सवाल खत्म हो गया हमारा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, अगला क्या बोल रखा है हम लोगों को, राम श्याम बलराम का प्रेजेंट एज जो है 4, 3, 5 में है, आफ्टर 9 ईयर द एवरेज ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम का 9 साल के बाद। ठीक है, तो राम श्याम बलराम हम यहाँ पे लिख देते हैं, राम श्याम और बलराम। ठीक है, 4 है 3 है 5 है, आफ्टर 9 ईयर द एवरेज एज ऑफ राम एंड श्याम, मतलब राम एंड श्याम का एवरेज 9 साल के बाद का, ठीक है, will be equal to the present age of Balram, Balram के present age के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं R plus S plus में 18 is equal to क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। अब यहां से देखो क्या है कहानी, इसके बाद का कहानी क्या बोल रहा है, what is the age of Balram when Ram was as old as Syam is now, Balram का उम्र बताना है जब राम जो है श्याम के उम्र के बराबर था उस समय में। ठीक है, मतलब श्याम जितना था उस समय का उम्र में बताना है, तो सबसे पहले उम्र निकाल लो उसके बाद कहानी देखते हैं क्या है। ठीक है, राम प्लस श्याम मतलब क्या है 4, 3, 7x, बी में आता है 5 × 2 = 10x, 7x चला जाएगा यानी क्या हो जाएगा 3x यानी 18 निकल गया, 3 से कट गया 6 बार में, 6 जब निकल गया हमारा तो यहां से हम 6 × 4 क्या करेंगे 24, 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। ठीक है, हमको अब निकालने क्या बोल रहा है, बलराम का उम्र बताना है, राम वाज एज ओल्ड एज श्याम नाउ, राम जो है श्याम का जितना था उतना, मतलब क्या है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 6 का है। ठीक है, इन दोनों का जब डिफरेंस 6 का है तो बलराम का उम्र बताना है, तो बलराम का उम्र क्या हो जाएगा 6 साल कम कर देना है, तो बलराम का उम्र में जब 6 साल कम करोगे तो 30 − 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 24 साल हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर है 24 साल। देखो इस चीज को ध्यान से समझो, पूछ क्या रखा था तुमसे कि बलराम का उम्र क्या होगा जब राम का उम्र श्याम के उम्र के बराबर है। ठीक है, बराबर है मतलब क्या, जब राम का उम्र श्याम के उम्र के बराबर है, सॉरी व्हेन वाज द श्याम इज एज ओल्ड एज नाउ, श्याम जितना साल का अभी है उतना, तो इन दोनों के उम्र में अंतर कितने का है तुम्हारा 6 का है। जब इन दोनों के उम्र में अंतर 6 का है तो तुम्हें पूछा है कि बलराम का उम्र उस समय में कितना था, यानी 6 साल पहले का उम्र पूछ रखा है बलराम का, बलराम का 6 साल पहले का उम्र कितने का है 24 साल का है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल बता क्या बोल रहा है हम लोगों का, अगला सवाल देखते हैं। अगला बोल रहा है बोधि इज 5 ईयर ओल्डर देन अजीत, बोधि जो है अरजीत से 5 ईयर ओल्डर है, अरजीत इज 5 ईयर ओल्डर देन करियप्पा, 16 ईयर अगो 16 साल पहले बोधि वाज 6 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ करियप्पा एट दैट टाइम। ठीक है, अब इस सबको यहाँ 3 वेरिएबल है, सबको सबसे पहले 1 वेरिएबल में करो, यहां से इसको जब तुम x मानोगे तो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी x + 5, इसको जब तुमने x माना था तो c कितना निकल के आएगा x − 5। ठीक है, अब यहां से देखो इसके बाद क्या बोल रखा है, 16 साल पहले बोधिवाज, बोधि का 16 साल पहले तो x + 5 − 16, बोधिवाज 6 ईयर ओल्डर 6 साल बड़ा था किससे, ट्वाइस द एज ऑफ करियप्पा एट दैट टाइम, करियप्पा का उस समय का एज का 2 गुना से क्या था 6 साल बड़ा था, तो 6 साल बड़ा कर दो यहां से,
एक्स प्लस में 16 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 11, 2x, 16, 5 कितना 21, 21 दोना कितना 42, ठीक है, प्लस में क्या 6, अब 2x में x जाएगा तो क्या बचेगा x, 42 और 6 है यहाँ पे, जब घटाओगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 इधर ले जाके घटा दो तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 25 निकल के आ जाएगी। तुमसे क्या पूछ रखा है सवाल में, तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ बोधी, बोधी का प्रेजेंटेज, बोधी का प्रेजेंटेज कितना है x प्लस 5 है, तो बोधी क्या हो जाएगा तुम्हारा 25 प्लस में 5 जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा 30 साल, और यही हमारा आंसर है इस सवाल का, 30 साल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या है, क्या बोल रहा है, ए मैन इज 32 ईयर ओल्डर देन हिज डॉटर सुप्रिया, एक आदमी, अब डॉटर है यानी कि क्या, वो आदमी क्या हो जाएगा फादर हो जाएगा, अपनी बेटी सुप्रिया से, सुप्रिया से क्या है 32 साल बड़ा है। ठीक है, व्हेन सुप्रिया वाज बॉर्न मदर वाज 26 ईयर, बॉर्न का फिर कहानी है यानी कि मदर माइनस सुप्रिया जो है हमारा वो कितना है हमारा 26 है। ठीक है, सुप्रिया बिकेम 6 ईयर ओल्ड व्हेन हर ब्रदर सोनू वाज बॉर्न, मतलब क्या हो गया, सुप्रिया माइनस सोनू जो है वो दिए हुए है कितना 6। ठीक है, हमको क्या बोला है, व्हेन सोनू बिकेम 22 ईयर, जब सोनू 22 साल का हो जाता है, ठीक है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ ऑल द फोर मेंबर्स, सभी चार लोगों का एवरेज एज, सोनू क्या हो जाता है जब 22 हो जाता है, सोनू जब 22 का हो जाएगा तो सुप्रिया कितने की हो जाएगी 28 की हो जाएगी। ठीक है, सुप्रिया जब 28 की हो जाएगी तो मम्मी जी कितने की हो जाएगी 52 और 4 254 54 की हो जाएंगी, सुप्रिया 28 की थी, 28 और 32 जोड़ोगे तो फादर कितने के हो जाएंगे 60 के हो जाएंगे, एवरेज निकालने के लिए बोला है 60 प्लस 54 प्लस 28 प्लस में 22। ठीक है, यहाँ पे जब तुम ऐड करोगे तो 30 और 20 क्या हो जाएगा 50, 60 50 कितना हो जाएगा 110, 110 में जब तुम ऐड करोगे तो 164 हो जाएगा, और एवरेज निकालना है तुम्हें तो एवरेज जब तुम निकालने के लिए आओगे तो बटे में 4 कर दोगे, 4 से कट जाएगा 4 बार में, एक बार में 41। ठीक है, कितना निकल के आ गया 41 ईयर्स, और यही हमारा आंसर है 41 ईयर्स। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखो क्या, अगला क्या बोल रहा है, देखो एज ऑफ अ पर्सन ए व्हेन पर्सन बी वाज बॉर्न वाज 4 ईयर, फिर देखो वही कहानी आ गया, बॉर्न का कहानी, बॉर्न का कहानी क्या बोल रहे हैं हम लोग, ए और बी का अंतर दिए हुए है कितना 4 साल। ठीक है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन बी एंड सी इज 28 ईयर, बी और सी का प्रेजेंट एज का सम जो दिए हुआ है वो दिए हुआ है 28 ईयर। ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी, ए और सी का अंतर कितने का है, और क्या दिए हुआ है हमको सवाल में, इफ द रेशियो ऑफ ए टू सी इज 5:3, ए से सी का जो रेशियो है वो दिए हुआ है 5:3, यहां से इन दोनों को सॉल्व कर दो, जब ऐड करोगे तो ए और बी भी खत्म हो जाएगा तो क्या बच गया ए प्लस सी, क्या दे देगा 32, 5 3 8 है, 8 का मान 32 के बराबर तो 1 का मान कितना के बराबर 4, 1 का मान जब 4 होगा तो 5 का मान 20, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 20 और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ए और सी, हमको ए और सी का अंतर निकालना था, 20 और 12 का अंतर कितने का हो जाएगा हमारा डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा हमारा 8 का, और ये हमारा आंसर है, डिफरेंस क्या हो गया हमारा 8 का हो गया, 8 साल आंसर। अब इसी चीज को तुम डायरेक्ट भी देख सकते हो, 5 3 8, 8 का मान 32 के बराबर तो 1 का मान कितना के बराबर 4 के बराबर, 5 3 का अंतर 2 का तो 2 का वैल्यू कितना के बराबर 8 के बराबर हो गया, कहानी खत्म, हमारा आंसर निकल गया 8 साल। ठीक है, और चलो आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, आखिरी सवाल बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बिना लाइक किए कोई नहीं जाने वाला है, बिना लाइक किए किसी को नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किए हो तो, आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं लेके आऊंगा, और लाइक जरूर करना है वीडियो देखने के बाद, एंड पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स डाउन। ठीक है, चलो लास्ट सवाल देखो इस सेशन का, लास्ट सवाल क्या है हम लोगों का, बोल रहा है एज ऑफ अमन्स मदर आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद विल बी थ्राइस द एज ऑफ अमन 1 ईयर हेंस। ठीक है, मदर का एज अमन के एज का क्या है थ्राइस है। ठीक है, अब जो क्राइटेरिया देखा है, देखो क्राइटेरिया क्या दिया है, अमन की मदर का एज आफ्टर 3 ईयर, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करोगे माइनस 3 कर दोगे, द एज ऑफ अमन 1 ईयर हेंस 1 साल के बाद, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करोगे 1 घटा दोगे। ठीक है, एज ऑफ अमन फादर, अमन के फादर का एज जो है वो क्या बोल रहा है आफ्टर 4 ईयर 4 साल के बाद,
will be 4 times the age of Aman 1 year ago. 4 गुना होगा अमन के एज का एक साल क्या पहले. तो x minus 1 उसका प्रेजेंट था, एक साल पहले minus 1 कर देते हैं. ठीक है, f plus 4 is equal to 4x minus 2 है तो minus 8, और ये plus 4 है तो इधर ले जाके minus 4 कर दो, तो पिताजी का भी x के टर्म में निकल जाएगा. 4x minus में कितना, 12. ठीक है, क्या बोल रहा है, if the sum of the percentage of Aman's parents, Aman's parents मतलब क्या, father एंड मदर, इन दोनों का सम जो दिए हुए है वो 76 है. तो चलो देखते हैं, 4 3 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस में 15 बराबर में क्या हो जाएगा, 76. 7x is equal to 6 5 11 1 हमने 7 1 8 और 1 9. ठीक है, 7 से काट दो एक बार में और तुम्हारा 21 बच जाएगा, 7 से काट दो 13 बार में, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 13 निकल के आ गई. x की वैल्यू जब 13 निकल के आ गई तो तुमसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द अमन्स फादर एंड अमन एज, अमन के फादर का और अमन के एज में अंतर. तो अमन के फादर का एज है 4x minus 12 और अमन का एज है x minus 1, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो. जब डिफरेंस निकालोगे 4x में चला जाएगा 3x, 12 में एक चला जाएगा 11. x की वैल्यू 3 है तो 13 into 3 करोगे 39, में 11 चला जाएगा यानी क्या बचेगा, 28 बचेगा. और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो कितना है, 28. तो इसी के साथ हमारा ये एज से रिलेटेड 32 क्वेश्चंस का सीरीज समाप्त होता है. उम्मीद करते हैं आप लोग हर किसी को ये सीरीज अच्छा लगा होगा, तो इसे प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करना है. इसके अलावा एज में कोई भी सवाल नहीं आने वाला या कोई भी और टाइप नहीं बचा हुआ है एज से रिलेटेड, जो भी है जितना भी कांसेप्ट मैंने बताया है वो सारा इसी पे बेस्ड है. यहां पे भी तुम इसी सवाल में देख लो, इसी सवाल में अगर हम लोग डबल डबल इक्वेशन लेके चलते तो बहुत लंबा जाने वाला था, इसको सिंगल इक्वेशन में कर लिए कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया. तो ये सिंगल इक्वेशन डेवलप करना सीखो. ठीक है, कितना साल के बाद दिए हुए, क्या दिए हुए, मेन हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए, सिंगल इक्वेशन को डेवलप करना. ठीक है, सिंगल इक्वेशन जब ये डेवलप कर लोगे, सिंगल वेरिएबल डेवलप कर लोगे तो तुम्हारा सवाल जो है बड़ा ही आसान हो जाएगा. ठीक है, तब तक हम ध्यान रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बहुत जल्दी हम लोग एक नया सेशन कुछ नए चैप्टर्स के साथ लेके आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली मिक्सचर एलिगेशन या फिर कुछ और लेके आएंगे. ठीक है, तो आप उस सेशन को भी एंजॉय कर सकते हो, तब तक ध्यान रखें, थैंक यू.